2024 में हिसुआ थाना क्षेत्र में के तेली टोला में एक सूचना प्राप्त हुई कि धर्मेंद्र उर्फ फुदन के घर पर असामाजिक तत्व एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उपस्थित हैं। इस सूचना का सत्यापन करने हेतु हिसुआ थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल उस फुदन के घर पर गए। वहां पर 6 लोगों को एक नीचे के कमरे में 6 लोगों को पाया। पुलिस को देखकर वो 6 लोग भागने लगे, जिन्हें खदेड़ करके पकड़ा गया। उसमें से 5 व्यक्ति को, एक व्यक्ति भागने में सफल रहे। उपस्थित लोगों और वहां पे जो उस कमरे की जब तलाशी ली गई तो वहां पर भारी मात्रा में लॉटरी की टिकट, 1 देसी कट्टा, 4 कारतूस और लॉटरी बिक्री का 9,820 रुपये और 7 मोबाइल बरामद किया गया। जो लॉटरी बरामद किया गया भारी मात्रा में, उसका कुल बाजार मूल्य जो है लगभग 4.5 लाख रुपया है। इसके अलावा इस लॉटरी संचालन जो चल रहा था गिरोह बना करके, उसको चलाने के लिए लगभग 30 कॉपी और रजिस्टर जो है वो भी बरामद किया गया है। यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है कि जब वहाँ पे उपस्थित लोग जो जितने थे उनकी तलाशी ली गई, तो उसमें से धर्मेंद्र कुमार उर्फ उदन के पास से 1 देसी कट्टा और 4 कारतूस उसके पास से बरामद हुआ। इसका जो है पूर्व से आपराधिक इतिहास भी है और पहले से भी है, लॉटरी के मामले में वो जेल जा चुका है। यहाँ पर जो 5 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम धर्मेंद्र कुमार उर्फ फुदन, पिता सहदेव प्रसाद हैं जो तेली टोला हिसुआ के हैं। मोहित कुमार, पिता मोहन कुमार, ये भी तेली टोला के हैं, हिसुआ थाना के। अमित कुमार, पिता शंकर साव, ये भी तेली टोला के हैं, हिसुआ थाना क्षेत्र के। आकाश कुमार, पिता गोपाल उपाध्याय, हिसुआ थाना दरबार चौक के हैं ये। सीवन चौधरी, पिता लालो चौधरी, हिसुआ थाना के ये नाला पर के रहने वाले हैं। इन सभी की गिरफ्तारी की गई। ये लोग लॉटरी खेलने और खिलवाने का काम हिसुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ से एक सिंडिकेट बनाकर करते थे और इसकी सूचना मिलने पर हिसुआ थाना के पुलिस और बल के द्वारा कार्रवाई की गई है, उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो काफ़ी सराहनीय है।